हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग नोट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये है चैप्टर 4 रिस्पेक्टिंग रीजनल डिफरेंसेस। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप का। वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस पे जो व्यक्ति रहते हैं वहाँ का जो फूड हैबिट होता है वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस तरह के एग्रीकल्चर डेवलप हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आम को एग्जांपल भी देने हैं। कहता है गिव टू एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए 2 एग्जांपल्स दीजिए। हम लोग लिखेंगे, फूड हैबिट्स ऑफ पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर ऑफ अ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देंगे, राइस इज़ कल्टिवेटेड वाइडली इन साउथ इंडिया, हैंस राइस इज़ दी स्टेपल डाइट ऑफ पीपल देयर। राइस जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है साउथ इंडिया में, इसलिए साउथ इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उसके लिए राइस जो होता है वो मेन डाइट है। स्टेपल डाइट कहने का मतलब मेन हो गया, ओके, मुख्य रूप से वो राइस को ही प्रीफर करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, दे कुक एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ राइस डिशेज। आपको पता है साउथ इंडियन में किस तरह के राइस से रिलेटेड हमारे डिशेस बनते हैं, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब हमारे कहाँ पे है, साउथ इंडियन के ही फूड आइटम्स है। तो ये हमने पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया। सेकेंड एग्जांपल की हम बात करेंगे, एलमंड्स ग्रोन इन कश्मीर एंड देयर फोर फॉर्म आन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ मेनी कश्मीरी डिशेज। देख लीजिए यहाँ पे एलमंड जो है ना ये कश्मीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है, इसलिए कश्मीर में जो भी डाइट्स होते हैं, डिशेस होते हैं, उसमें एलमंड्स जो है ना एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है। इन्ग्रीडियंट कहने का मतलब उसके साथ मिक्स करके फूड आइटम को तैयार किया जाता है, यानी कि उसमें फ्लेवर दिया जाता है। तो जितने भी फूड आइटम होते हैं अक्सर कश्मीर तरफ, वहाँ पे आपको एलमंड्स देखने को ज़रूर मिल जाएगा उसमें से, ओके। ये हम लोग समझ गए कि जो पीपल का फूड आइटम है, जो फूड प्रैक्टिस होता है, फूड हैबिट, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस तरह के एग्रीकल्चर डेवलप हुए हैं, किस तरह के फसल वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ग्रो किए जाते हैं, उसी तरह के फूड हैबिट्स उन लोगों को वहाँ पर डेवलप हो जाता है। नाउ हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, और यहाँ पे कहता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, यहाँ पे जो पीपल रहते हैं उसके फूड हैबिट्स की हमको यहाँ पे लिखना है, उसके फूड हैबिट्स के बारे में लिखना है हमको। तो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे, फूड लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब एंड लॉबस्टर इज़ क्वाइट पॉपुलर हीयर। ये सब जो है ना ये सी फूड कहलाते हैं, ओके, ये सब क्या है ना, सी फूड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सी फूड हमारा कॉमन होता है, फूड लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब ना लॉबस्टर, ये सब क्या है ना सी फूड कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है बी नंबर पे, उन्होंने लिखेंगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बी नंबर पे देखेंगे, नॉर्थ इंडियन एंड बंगाली क्यूजींस आर पॉपुलर देयर। यानी कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया का और जो बंगाली है क्यूजींस है, यानी कहने का मतलब फूड, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्यूजींस आया हुआ है इसका मतलब क्या हो रहा है ना, फूड हो रहा है, फूड आर पॉपुलर हीयर। साउथ इंडियन फूड आर ऑल्सो कॉमन एमंग द आइलैंडर्स। देखिए साउथ इंडियन के जो कॉमन है, साउथ इंडियन के जो फूड आइटम है वो भी वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं हम लोगों को। अगला है, राइस इज दी स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस आइलैंड। राइस, ये देखिए राइस तो ऑल ओवर हमारा जो इंडिया में है अक्सर हर एक पार्ट में पाया जाता है, तो राइस जो है मेनली आप देखेंगे तो आपको साउथ इंडियन में पॉपुलर ज़्यादा है, ओके। तो ये जो राइस जो है ये भी यहाँ के जो लोग रहते हैं आइलैंड में उस लोगों के लिए कॉमन फूड आइटम है। तो एक और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये स्पाइसेस को लेकर के, स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लॉव, नटमेग, सिनेमन फॉर्म इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स ऑफ द पीपल ऑफ द आइलैंड्स। तो केवल यहाँ पे फूड आइटम की बात ही नहीं हम कर रहे हैं बल्कि स्पाइसेस की भी बात कर रहे हैं। जो स्पाइसेस हमारे साउथ इंडियन में हैं वो सब के सब वहाँ पे आइलैंड में हमको देखने को मिल जाते हैं, ओके। तो ये था हमारा एक छोटा सा नोट अबाउट फूड हैबिट, है ना, फूड हैबिट्स को लेकर के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को लेकर।
नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और यहाँ पे है, कहता है राइट ए नोट ऑन द डांस एंड म्यूजिक ऑफ द आइलैंडर्स। तो ये जो हमारे आइलैंडर्स हैं वहाँ पे किस तरह के डांस और किस तरह के म्यूजिक पॉपुलर हैं, इसके बारे में हम लोग को लिखने हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द आइलैंडर्स सेलिब्रेट मोस्ट इंडियन फेस्टिवल लाइक दुर्गा पूजा, पोंगल, ये सब जो फेस्टिवल्स हैं वो वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको वहाँ पे बिल्कुल न्यू देखने को मिलेगा, कुछ तो न्यू होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो दुर्गा पूजा है, पोंगल है, पैंगुनी है और उथिराम है, ओनम है, तो ये सारे वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, होली, दिवाली, क्रिसमस है ना, गुड फ्राइडे विथ डांस एंड म्यूजिक, ये सारे जो फेस्टिवल हैं ये सारे फेस्टिवल डांस और म्यूजिक के साथ मनाए जाते हैं, आने की बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो अगला है हम सेंटेंस लिखेंगे निकोबार डांस इज दी ट्रेडिशनल डांस ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे स्पेशल हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, निकोबार डांस इज दी ट्रेडिशनल डांस ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये ट्रेडिशनल है यानी वहाँ स्पेशल है। इट कैन बी सीन ड्यूरिंग दी ओसुअरी फीस्ट, ओसुअरी फीस्ट जो होता है उसके दौरान हम लोग इस तरह के डांस को देख सकते हैं, नोन एज दी पीक फेस्टिवल। और ये जो है ये ओसुअरी फीस्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीक फेस्टिवल के नाम से ये पॉपुलर है, और उस फेस्टिवल के दरमियान हम यहाँ पे जो निकोबारी डांस है इसको हम देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और ये हमारे पास है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कहता है डिस्क्राइब द कलरफुल ड्रेसेस डांस एंड म्यूजिक ऑफ राजस्थान। तो थोड़ा सा लेंदी होगा, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं ड्रेसेस को लेकर के, किस तरह के ड्रेसेस राजस्थान में फेमस हैं वीमेन को लेकर के और फिर मेन को लेकर के। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द कलरफुल ड्रेसेस मेड फ्रॉम बंधनी, लहरिया, मोटरा आर वर्ल्ड फेमस, देयर इज ए ग्रेट डिमांड फॉर राजस्थानी घाघरा, ओढ़नी, चोलीज विथ एम्ब्रॉयडरी ब्लॉक प्रिंटिंग, मिरर एंड गोटा वर्क। यानी कि वो जो कपड़े होते हैं वो केवल सिंपल नहीं होते, उसमें बहुत सारे डिजाइंस बने हुए होते हैं और वो देखने में बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं। इसमें से ज़्यादा फेमस क्या है ना, एम्ब्रॉयडरी। ओके, इससे बहुत अच्छे से डिज़ाइन बने हुए होते हैं उसके कपड़े पे। जब मेन के ड्रेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते द राजस्थानी मेन वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक धोती, बंदा और रखा, ये सब ड्रेसेस जो है ना मेन के साथ पॉपुलर है। तो मेन को लेकर के ज़्यादा उतना कुछ नहीं, धोती जो अपना होता है सिंपल वो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पे नेक्स्ट डांस के बारे में बात कर लेते हैं, डांस एंड म्यूजिक को लेकर के। ओके, तो डांस एंड म्यूजिक की बात करेंगे तो पहले हमारे पास आता है यहाँ पे राजस्थानी सेलिब्रेट लाइफ विथ म्यूजिक एंड डांस, वो अपने लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं म्यूजिक और डांस के साथ, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पे सॉन्ग्स की बात करते हैं, दी सॉन्ग्स ऑफ पोइट्स लाइक कबीर, मालूक दास, मीरा आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोक म्यूजिक ऑफ राजस्थान। देखिए राजस्थान का जो फोक म्यूजिक है उसमें कॉमन क्या है, तो सॉन्ग्स ऑफ पोइट लाइक कबीर है ना, मालूक दास, मीरा, ये सारे जो पोइट हैं उसके सॉन्ग्स को बहुत ही पॉपुलर माना जाता है राजस्थान में। सम राजस्थानी कम्युनिटीज लाइक भट्स है ना, चरण्स, भोपास एंड ढोलीज आर फेमस म्यूजिशियन, ये कुछ कम्युनिटीज़ हैं। ओके, द पॉपुलर डांसेस ऑफ राजस्थान आर घूमर है या ना, घूमर कहते हैं चाहे झूमर कहिए, ठीक है, और उसके बाद है चरी है ना, कच्ची घोड़ी एट्सेट्रा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर फोर हमारा लेंदी हो गया। यहाँ पे डांस, म्यूजिक और ड्रेसेस तीनों को डिस्क्राइब करना था, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कहता है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट रीजनल डिफरेंसेस गिव थ्री रीजन्स। जो रीजनल डिफरेंसेस हम देखते हैं अपने कंट्रीज में प्लेस टू प्लेस, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, और हम लोग उसको क्यों रिस्पेक्ट करेंगे, इसको लेकर के यहाँ पे थ्री रीजन्स देने हम लोग को। हम लोग लिखेंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट रीजनल डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला हमारा आता है द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ द हैबिट्स, लैंग्वेजेज, कल्चर, फेथ एंड बिलीव्स ऑफ अदर मेक इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक।
ये देखिए हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, इतना ज़्यादा रिच और यूनिक क्यों है? यूनिक इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी रीजनल डिफरेंसेस हैं उसको ना एक दूसरे के लोग एक दूसरे क्या करते हैं ना, रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी के वजह से हमारा जो कल्चर है वो यूनिक है। आप देखेंगे स्टेट वाइज हमारा जो कल्चर है वो क्या होता है, वेरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के जो लोग हैं वो दूसरे स्टेट के कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और इसी वजह से हमारा जो इंडिया है वो एक तरह का यूनिक कंट्री हो जाता है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। बी नंबर पर लिखेंगे इट मेक्स पीपल ऑफ द कंट्री टॉलरेंट ब्रॉड माइंडेड एंड ग्लोबल। ये देखिए ऐसा होने से क्या होता है ना, हम लोग जब रिस्पेक्ट करते हैं रीजनल डिफरेंसेस को तो यहाँ के जो लोग हैं वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, उसका थिंकिंग थोड़ा बड़ा होता है। ओके, मेक कंट्री टॉलरेंट एंड ग्लोबल, ग्लोबल बनने में हेल्प होता है, तो ये हम रीजन दे सकते हैं। लास्ट में लिखेंगे इट इस्टेब्लिशेस अ सोसाइटी बेस्ड ऑन हार्मनी एंड फर्टर्निटी। तो इसके वजह से जब हम रिस्पेक्ट करते हैं रीजनल डिफरेंसेस को तो हमारा जो सोसाइटी है वो कैसे बनता है, इट इस्टेब्लिशेस अ सोसाइटी ऑन हार्मनी एंड फर्टर्निटी, एवरी वन इज इंक्रेज टू लिव इन अ पीसफुल मैनर। जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के साथ पीसफुल मैनर से जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं ना, प्रेरित होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर सके और एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ सके, ठीक है, और इस वजह से हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो यूनिक हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।